पुलों ने सदियों से काम किया है जोड़ने का, कभी संस्कृति को तो कभी लोगों को, कभी संप्रदाय को तो कभी व्यापार को। इसीलिए विकास के कदम और पुलों का नाता है अटूट। भारत का खूबसूरत पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रगति के पथ पर है अग्रसर, और अब ये क्षेत्र साक्षी बनने जा रहा है उन्नति के एक और शिखर का। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ से 17 किलोमीटर दूर बना है देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे ऊंचाई पर है बना, जिसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर और लागत है 5,920 करोड़ रुपए। डबल लाइन ब्रॉड गेज के साथ 3-लेन रोड की विशेषता वाले इस पुल के निर्माण में ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल आने वाली बाढ़ का रखा गया है विशेष ध्यान। इसीलिए दोनों छोर पर 9 किलोमीटर और 7 किलोमीटर बांध को ऊपर उठाने और मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। यह होगा भारत का एकमात्र ऐसा पुल जो पूरी तरह से स्टील कंक्रीट कंपोजिट गर्डर से है बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 अप्रैल 2002 को की थी इस पुल के कार्य की शुरुआत, लेकिन इसके काम में हो रहा था लगातार विलंब। 2014 के बाद काम में आई अभूतपूर्व गति, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दिया विशेष ध्यान। अटल जी के समय तरक्की का बोया गया पुल रूपी बीज आज बना है फलदार पौधा। रेल सह सड़क पुल होने के कारण ये जोड़ेगा उत्तर और दक्षिण छोर के 74 किलोमीटर रेल लाइन को भी, साथ ही दक्षिण के NH-37 और उत्तर के NH-52 को भी ये जोड़ेगा। पुल द्वारा जुड़ेंगे असम और अरुणाचल के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण छोर। इससे उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा बल। पूर्वोत्तर की बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी। डिब्रूगढ़ पहुंचना होगा आसान, जिससे गुवाहाटी में कंजेशन होगा कम। ये पुल ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट के माध्यम से डिब्रूगढ़ के लिए एक छोटा और सुविधाजनक मार्ग करेगा प्रदान। पुल रेलवे मार्ग द्वारा 705 किलोमीटर और सड़क मार्ग द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी कम करते हुए डिब्रूगढ़ से ईटानगर तक प्रदान करेगा सीधा सड़क संपर्क। डिब्रूगढ़ से वाया उत्तर छोर का अंतर वाया रंगिया 170 किलोमीटर होगा कम, साथ ही डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी वाया मोरनहाट की दूरी भी होगी 55 किलोमीटर कम। पुल के कारण बनी रहेगी हर मौसम कनेक्टिविटी। माल ढुलाई यातायात जो पहले होती थी फेरी से, वो अब होगी बहुत आसान। होगी पैसों की बचत। ब्रह्मपुत्र नदी के तटबंध पर रहने वाले लोगों के दोनों छोर पर 16 किलोमीटर का सर्विस रोड बनाएगा यातायात को सरल। पुल देश के पूर्वी कोने तक सेना को और सेना तक सप्लाई पहुंचाना करेगा आसान। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से है पुल का विशेष महत्व। तभी तो ये पुल बनेगा पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा। अब रेलवे, नॉर्थ ईस्ट और विकास हैं एक दूसरे के पर्याय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। जय हिंद।